फरवरी 2020 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के दिव्यांग व 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अब घर बैठकर मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग इन्हें बैलेट पेपर मुहैया कराएगा। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में फिलहाल ऐसे मतदाताओं की संख्या 2.26 लाख है, जो चुनाव तक और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में यह पहली बार होने जा रहा है। दिल्ली से पहले झारखंड में चुनाव होने हैं, वहां के कुछ हिस्से में भी इसे शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि चुनाव नियम 1961 में संशोधन के बाद इन दो श्रेणी के मतदाताओं को यह सुविधा दी जा रही है। इसके लिए इन मतदाताओं को आयोग की PWD ऐप या मतदान केंद्र में जाकर पहले खुद को इसके लिए नामांकित करवाना होगा। चुनाव की तारीख की घोषणा के 5 दिन के अंदर उन्हें 12D फॉर्म भर कर देना होगा। BLO अपने विधानसभा में घर घर जाकर यह फॉर्म वितरित करेंगे, फिर जो फॉर्म भरकर लौटाएगा उसे बैलेट पेपर मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर वह मतदाता केंद्र तक जाना चाहे तो वहां जाना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदाताओं के सत्यापन अभियान में कुल 91.16% मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। 9.21% यानी कुल 13,34,313 मतदाता अपने बताए पते पर नहीं मिले। इसमें कुछ का निधन हो गया है और कुछ पुराने पते से स्थानांतरित हो चुके हैं। अब BLO इस पर नजर रखेंगे और उनका दोबारा सत्यापन करेंगे। विधानसभा चुनावों में कुल 13,750 पोलिंग बूथ और 2,679 पोलिंग लोकेशन है। विगत लोकसभा चुनावों में 13,819 पोलिंग बूथ थे। छोटे पोलिंग बूथ को आपस में मिला दिया गया है, जिससे इस बार 69 बूथ कम हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी पार्टियों के राज्य, जिला, विधानसभा व बूथ स्तर पर प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं, जो इस मसले पर आयोग के साथ समन्वय रखते हैं। अब पता बदलने पर नाम हटवाने के लिए मतदाता को ही फॉर्म भरकर देना होगा। चुनाव आयोग अधिकारियों के मुताबिक मतदाता सूची में 2 जगह नाम होने पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई होगी। आयोग के पास एक DSC मॉड्यूल है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अगर एक मतदाता सूची से अधिक जगह है तो उसकी लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाती है। इसके बाद जिन राज्यों की मतदाता सूची में उसका नाम है वहां के अधिकारियों के पास चली जाती है। इसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाती है। इससे पहले आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदाता सूची का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही शुक्रवार से 16 दिसंबर तक एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। यदि दिल्ली का कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना, हटवाना चाहे या फिर अपनी किसी जानकारी में कोई बदलाव कराना चाहे तो इसे 1 महीने में कराकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।